रौनक ने जो भी किया है उसकी सजा उसे मिली है। अंकिता ने उसे सजा दिलवाई है एंड दैट इज द राइट थिंग टू डू। अंकिता इस घर की बहू है, वो रौनक की इस हालत के लिए जिम्मेदार नहीं है। तुम उसे इस घर से बाहर नहीं निकालोगे, ये मेरा फैसला है रुशाली। मैं जानती हूं तुम क्या सोच रही हो। तुम सोच रही हो कि कुछ ही दिनों की बात है, सुनंदाताई लंदन चली जाएंगी, उसके बाद मैं अंकिता को आसानी से घर से बाहर निकाल दूंगी, कोई मुझे कुछ नहीं पूछेगा, राइट? ऐसा करने से पहले दिमाग से काम लो। नरेन ने अपनी कंपनी अंकिता के नाम कर दी है। अंकिता घर से बाहर चली जाएगी ना, तो उसके साथ साथ करोड़ों की कंपनी भी घर से बाहर चली जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि तुम दोनों का दाना पानी बंद हो जाएगा। Not just that, तुम्हारा बेटा नरेन अंकिता से बहुत प्यार करता है रुशाली, वो उसके बगैर जी नहीं पाएगा। अंकिता के पीछे पीछे नरेन भी ये घर छोड़कर चला जाएगा। नरेन हु इज अ जीनियस, जो हर रोज तुम्हारे लिए कम से कम 1 करोड़ रुपया तो कमा ही सकता है ना, वो भी चला जाएगा। उसके बाद तुम दोनों क्या करोगे, कभी सोचा है तुमने? फॉरगेट द इमोशंस, फॉरगेट द राइट थिंग टू डू, दिमाग से काम लो और अंकिता को इसी घर में रखो। मैं मानती हूं कि तुम दोनों ने पैसों से अंकिता को खरीदा, तुमने उसकी शादी भी तो करवाई ना नरेन के साथ। अब उन दोनों में एक पति पत्नी का रिश्ता बन गया है, नरेन उससे प्यार करता है मन से, वो उसे अपना चुका है। और रिश्ते पैसों के मोहताज नहीं होते, नरेन और अंकिता का रिश्ता तुम्हें मानना ही होगा। और वैसे भी हर सास की जिंदगी में एक दिन आता है जब उसे अपना बेटा, अपना घर अपनी बहू के हवाले करना होता है। आज तुम्हारे लिए वो दिन आ गया है रुशाली, एक्सेप्ट दिस ग्रेसफुली, वरना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। लिसन टू मी रुशाली, मुझे लग रहा है कि इस वक्त जो सुनंदा ताई कह रही है वो सही है। So for now, just follow her, okay? मैं तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगी अंकिता। I'm going to make life hell for you. तुम अपने दिन गिनना शुरू कर दो। मैम, योर डिनर इज रेडी। सॉरी डियर, आई एम गोइंग फॉर अ पार्टी, तो डिनर मैं बाहर ही करूंगी। ओके ठीक है मैम, बट घर आकर स्वीट डिश खा लीजिएगा। मॉम, या आई वांट समथिंग फ्रॉम यू। व्हाट? वो आपके डार्क रेड कलर की लिपस्टिक है ना, वो और डायमंड इयररिंग्स जो लिमिटेड एडिशन वाली है, तुम्हें उनकी क्या जरूरत है? You are so young to wear them. Oh, come on, mom. मुझे भी तो stylish दिखना है ना. Baby, you already stylish. Mom, please. Please, Pushti. Don't try to convince me. तुम्हारी एज की लड़कियां डार्क लिपस्टिक नहीं लगाती, और वैसे भी तुम इतने केयरलेस हो कि मैं अपने एक्सपेंसिव इयररिंग्स तुम्हें नहीं दे सकती। डैड को बोलकर अपने नए खरीद लेना। तो आप भी नहीं खरीद सकते हो ना, ये वाले मुझे दे दो ना। Pushti, जिद मत करो, तुम बच्ची हो, जब बड़ी हो जाओगे तो। मॉम प्लीज, मैं ना अभी बच्ची नहीं हूँ, और वैसे भी अगर इन सब चीजों की मुझे जरूरत नहीं है ना, तो आपको भी नहीं होनी चाहिए। आप कहीं की मॉडल नहीं हो, वो आपकी स्टूपिड सी फ्रेंड आपको मॉडल कहती है, तो आप अपने आप को मॉडल समझने लगी? शट अप पुष्टि, तुम मेरे साथ आर्गुमेंट करियो, अपनी मॉम के साथ ये स्मार्टनेस दिखाई ना, तो सारी की सारी स्मार्टनेस यही निकाल दूंगी, फिर तुम्हारे आजू बाजू तुम्हें बचा नहीं पाएंगे। अरे आज की वजह से ना तुम इतना बिगड़ गई, पेरेंट्स के साथ बात करने की तमीज दी, और वैसे भी मुझे तुम्हारे साथ बहस करने के लिए वक्त नहीं, आई एम गेटिंग लेट। मॉम प्लीज, मॉम आई हेट यू, मॉम आई हेट यू।
की है, खुद तो हीरोइन बनके घूमेगी, डायमंड रिंग, डायमंड नेकलेस, और मुझसे एक्सपेक्ट करेगी कि मैं सीधी साधी घूमूं, पढ़ाई करूं? This is not fair, ना? It's just impossible. पुष्टि अपनी आई से ऐसे बात, excuse me, तुम अपने काम से काम रखो, वो मेरी मॉम है, उनसे क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है, ये मैं डिसाइड करूंगी, तुम नहीं। और वैसे भी इस घर में यहाँ सब एक दूसरे से ऐसे ही बात करते, तुम्हें आदत नहीं होगी ना, तुम न्यू हो, लेकिन आदत डाल लो। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, हमने तुम्हें हायर किया है, तुमने हमें नहीं, तो ये लेक्चर वेक्चर देना ना बंद करो और अपने काम से काम रखो, समझी? एक मिनट पुष्टि, क्या गलत कहा पिया ने? नीना तुम्हारी आई है और तुम उससे इस तरह बात नहीं कर सकती हो, you get that? Excuse me, dad. मॉम भी तो इसी तरह बात करती है ना, आजी और आजूबा से, अब उन्हें तो कुछ नहीं बोलते, फिर मुझे क्यों? हाँ? पुष्टि, पुष्टि! Yeah, I'm sorry for her behavior. मैं उससे माफी मांगता हूँ. I'm really sorry. No sir, it's fine. मैं आपसे कुछ बात कर सकती हूँ? सर, वैसे तो मैं एक स्ट्रेंजर हूँ, मुझे नहीं पता मेरा आपसे इस मामले में बात करना सही होगा या गलत, पर आफ्टर ऑल इट्स योर पर्सनल मैटर सर, पर मुझे लगता है जो पुष्टि कह रही थी वो गलत नहीं है, उसने जो देखा, उसने जो सीखा, वो उसी को देखकर रिएक्ट कर रही है सर. यू नो सर, मेरी मॉम हमेशा कहती है कि जिस तरह से आप अपने बच्चों के सामने अपनी आई और बाबा से बात करेंगे, ठीक उसी तरह आपके बच्चे आपसे बात करेंगे सर, चाहे फिर वो इंडिया हो या कनाडा, इट्स ऑल द सेम. एंड आफ्टर ऑल इट्स अ सर्कल, आप जहाँ से स्टार्ट करेंगे आपकी जर्नी वहीं जाके ख़त्म होगी. सर, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपको रिस्पेक्ट करें, तो पहले आपको अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करना होगा. तो थैंक यू, आपने मेरा सपोर्ट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच. अंकिता, लेट मी मेक माई सेल्फ एब्सोल्यूटली क्लियर, जब मैं लंदन से यहाँ आई तब मुझे ये बताया गया कि हमारे परिवारों में एक सौदा हुआ है, मुझे ये बताया गया कि तुमने पैसों के लिए नरेन के साथ शादी की है. आई एक्सेप्टेड दैट एज अ फैक्ट, पर धीरे धीरे जब मैंने तुम्हारा बर्ताव देखा तब मेरा ओपिनियन चेंज होने लगा. मुझे महसूस होने लगा कि तुम्हें नरेन की चिंता है, तुम इस परिवार की चिंता करते हो, और सबसे बड़ी बात, जब रौनक ने तुम्हारी बहन के साथ वो घटिया हरकत की, उस समय अगर तुम चाहती तो हमारे परिवार का फायदा उठा सकती थी, हमसे पैसे ऐड सकती थी, अपनी बहन की तरफ तुम अनदेखा कर सकती थी, पर तुमने ऐसा कुछ नहीं किया. उस समय तुमने सिर्फ अपनी बहन को न्याय देना चाहा. तब मैंने रियलाइज किया कि जो लड़की अपनी बहन को न्याय दिलाने के खातिर अपना सब कुछ दांव पर लगा सकती है, अपना सब कुछ सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो सकती है, वो लड़की अपने सारे रिश्ते उसी प्यार से और जिम्मेदारी से निभा सकती है. और जब कोर्ट में केस चल रहा था तब मैंने तुम्हें अपने हाथों से इस घर से बाहर निकाल दिया था, उस समय हम सब तुम्हारे खिलाफ थे, यहां तक कि नरेन भी नहीं चाहता था कि तुम यहां रहो इस घर में, हम बार बार तुम्हारा अपमान कर रहे थे, पर फिर भी तुम वापस यहां चली आई, अपने लिए नहीं नरेन के लिए. तुम उसकी सेहत के बारे में सोच रही थी, उसके बारे में सोच रही थी, तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं जो तुम्हारे बारे में सोच रही थी वो गलत था. आई रियलाइज दैट यू आर लॉयल टू नरेन, यू केयर फॉर हिम, और तुम्हारी इन्हीं क्वालिटीज की वजह से मैं
मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि तुम इस घर की बहू बनने के लायक हो। तू यह घर अच्छी मुट्ठी सुन भाई, मैं जानती हूँ कि तुम नरेन से प्यार नहीं करते, शायद कभी नहीं करोगे उससे प्यार, पर तुम दोनों के बीच जो पति पत्नी का रिश्ता है वो रिश्ता तुम जिम्मेदारी से निभाओगे, मुझे पूरा विश्वास है। पहली बार किसी इंसान को पहचानने में मुझसे गलती हुई अंकिता, और अपनी गलती स्वीकार करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और बात अंकिता, रौनक ने मानसी के साथ जो किया है वो तो मैं नहीं बदल सकती, पर मेरी वजह से तुम्हें जो तकलीफ हुई है मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। I'm sorry। अब हाथ मत जोड़िए, सिर्फ आपकी गलती नहीं थी, गलती मेरी भी थी। मैं आपको समझ नहीं पाई, मैं नहीं समझ पाई तो आपको। I'm sorry। आज मुझे एक चीज पता चली कि इस घर में कोई ऐसा है जो सच का साथ देता है, तू और वो आप है। थैंक यू। अब हम दोनों के बीच जो गलतफहमियां थी वो दूर हो गई है। और कुछ कहना चाहती हूँ। माता आशीष थे भी राणा रेस का, अगर नखशी खान तो भेज लिए है कपड़े बॉक्स, जरा जाओ कपड़े बदल कर आओ वरना ठंड लग जाएगी। जाओ अतु। अखंड सौभाग्यवती भवा। मेरी बात तो सुन, देख कितनी अच्छी लड़की, इतना अच्छा रिश्ता आया तेरे लिए। देख तो सही, पर देखने में क्या हर्ज है बेटा? देख तो देखेगा नहीं तो तुझे कैसे समझेगा कैसी लड़की है, पढ़ी लिखी है, अच्छा क्या देखूं मैं इनमें? एक बार देख तो ले, तू देखेगा तो तुझे समझेगा ना। ये तू क्या कर रही है आई? तूने कहा ना मीडिया में कि तू। मैंने क्या कहा? यही कि तू मेरी और मानसी की शादी के लिए तैयार है। शशांक मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, ये तो तुझे प्रेस वालों के सामने महान बनना था ना, इसलिए तूने कहा कि तू मानसी के साथ शादी करेगा। ठीक है मैंने कहा मीडिया में, लेकिन जब मैं बोल रहा था मीडिया में तो तूने कुछ भी नहीं कहा, तो मुझे लगा कि तुझे मंजूर है। मुझे ये रिश्ता कभी मंजूर नहीं होगा, याद रखना। मैं चुप थी इसका मतलब ये नहीं है कि मैं शादी से खुश हूँ या शादी के लिए हाँ कर दूंगी। वो तो मैं नरेन को देख के चुप बैठी थी, उसकी चालाकी देख रही थी, इतना चंट और चालाक लड़का। उसे क्या लगा प्रेस वालों को चौल वालों के सामने लाएगा कि मैं प्रेशर में आके हाँ कर दूंगी इस शादी के लिए? कभी नहीं। वो जितना पागल दिखता ना उतना पागल है नहीं। मुझे बेवकूफ बना के मानसी को मेरे घर की बहू बना देगा वो? मैं मानसी को अपने घर की बहू कभी नहीं बनाऊंगी। ये पता है चौल वाले क्या बोलते हैं? तुम्हारा शशांक कितना अच्छा लड़का है, तुम्हें कोई भी अच्छी लड़की मिल जाएगी, तो तुमने ऐसी कलंकित लड़की को अपने घर की बहू बनाने की कैसे सोची? शशांक इन चौल वालों का मुंह बंद करना है ना तो तुझे मानसी का पीछा छोड़ना होगा बेटा। और तू प्रेस में क्या बोलेगी? सबके सामने बोल दिया है। अरे प्रेस वालों की तो फितरत ही ऐसी होती है, दो चार दिन टीवी पे दिखाएंगे और न्यूज़पेपर में डाल देंगे और फिर हमारी वाहवाही लूटेंगे और फिर भूल जाएंगे। पर हमें तो इसी चौल में रहना। और ये चौल वाले जब हमसे झगड़ा करेंगे या कुछ गलत बात करेंगे तो क्या प्रेस वाले हमें बचाने आएंगे? शशांक मुझे दो दिन के लिए भगवान नहीं बनना है, समझ रहे ना तू? मुझे इस चौल में ही रहना है, यहाँ के लोगों के साथ में मुझे मिलजुल कर रहना है। ये लोग कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे मानसी को। शशांक अगर उन्होंने झगड़ा किया हमसे और कहा कि तुम इस चौल के छोड़कर चले जाओ तो हम कहाँ जाएंगे? क्या तुम अफोर्ड कर पाओगे? नहीं, हम बहुत छोटे लोग हैं शशांक, जो पैसे वाले हैं ना वो लोग कर सकते हैं, वो लोग अपने घर में ऐसी लड़की को स्वीकार कर लेंगे, पर हम जैसे लोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे। हमें इस समाज में रहना है, इन सब चीजों को एक्सेप्ट करके चलना होगा, तू समझ ही रहना बेटा। मेरी शादी मानसी से ही होगी और मैंने अपनी ये बात मीडिया को बोल दी। तो मेरा फैसला भी सुन ले, मानसी हमारे घर की बहू कभी नहीं बन सकती। अगर मेरी शादी होगी तो मानसी से ही होगी, वरना मैं शादी करूंगा ही नहीं, समझी? अरे कौन समझाएगा इस पागल लड़के को?
कॉफी। थैंक यू। तुम्हें याद है BSN एसोसिएट्स? और मैं रिसर्च कर रहा था तुम्हारे साथ। हाँ सर, ये तो वही है ना जो कस्टमाइज्ड होम बनाना चाहते हैं। हाँ, इनकी मेरे साथ मीटिंग फिक्स हो गई है। वाओ, दैट्स ग्रेट। आप बहुत एक्साइटेड हैं इस प्रोजेक्ट को लेके। टोटली। और तुम भी एक्साइटेड हो जाओ। क्यों? क्योंकि तुम्हारी फर्स्ट क्लाइंट प्रेजेंटेशन है। सर नहीं नहीं, मैं कैसे कर सकती हूँ सर? मैं नहीं कर सकती सर। अरे क्यों नहीं कर सकती? मैंने अब तक किया नहीं कभी। तो क्या होता है, ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम? नो नो सर, इतने बड़े लोग हैं, मुझसे कुछ गड़बड़ हो गई तो मैं कैसे बोलूं कि उनके सामने? सॉरी सर, मैं नहीं करना चाहती। कौन बड़े लोग? आना तुम भूल जाती हो क्या? 200 करोड़ की शेयर है तुम्हारे पास, तुमसे बड़ा कोई नहीं है उस रूम में। ओके सर, वो तो आपने मेरे आना तुम प्रेजेंटेशन दे रही हो एंड दैट्स फाइनल एंड आई एम नॉट जोकिंग। माय नेम इज नरेन एंड आई एम नॉट जोकर। तुम्हारे पीछे प्रोजेक्टर चल रहा होगा। ओके, यहाँ बैठे होंगे मिस्टर भल्ला, इधर बैठे होंगे मिस्टर बासु, इधर वो झारखंड वाले हमारे मिस्टर पटनायक, ठीक है, और यहाँ पर हम बैठा देते हैं मिस्टर जोशी। तो सबसे पहले तुम्हें पता है ना वो सजाजी जो मिस्टर भल्ला, वो तुमसे पूछेंगे। ओ मैडम जी, गल दसो, मैं तुम्हारे को एक सवाल पूछना चाहता हूँ। वो यह है कि साढ़े जो ग्राहक है, आई मीन टारगेट कस्टमर, वो किस तरह बेनिफिट करेंगे? तो कैन यू एक्सप्लेन? जनरली अगर देखा जाए तो बिल्डर जो प्रोजेक्ट बनाता है वो अपने हिसाब से बनाता है, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम जो भी प्रोजेक्ट बनाएंगे हम कस्टमर के हिसाब से बनाएंगे, उनकी पसंद के हिसाब से बनाएंगे। और जहाँ तक आपका टारगेट है वो मिडिल क्लास फैमिलीज है, और जहाँ तक मैं जानती हूँ मिडिल क्लास फैमिलीज हमेशा कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करती है, और हमारे प्रोजेक्ट में किसी को भी किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। वेरी गुड आना, वेरी गुड गोइंग। लेकिन तुम्हें पता ना मिस्टर जोशी हमेशा टांग लगाते हैं हाथ बांटते और हंसते भी रहते हैं, वो तुमसे पूछेंगे। मैम, हमारो प्रेजेंटेशन तो सारो छे, लेकिन लॉन्ग टर्म गेन कैसे होगा? सर गेन होगा, गेन क्यों नहीं होगा? आप एक बात बताइए, एक कस्टमर हमारे पास आएगा, हम उसे उसके हिसाब का घर देंगे, जैसा उसे चाहिए वैसा घर देंगे, तो डेफिनेटली बाहर जाएगा और 10 लोगों को ये चीज बताएगा, और 10 लोग फिर हमारे पास आएंगे और हमारा रिश्ता उनसे भी स्ट्रांग बनेगा, इसी तरह हमारा गेन होगा। वेरी गुड, वेरी गुड आना। मिस्टर बासु, सीरियस टाइम। मिसेस कॉर्मोरकर, बालो छे, प्रेजेंटेशन खूब बालो छे, फॉर एडवर्टाइजिंग, नॉट फॉर कस्टमर। कस्टमर भोका नहीं बनेगा। बुद्धू बनाया। तुम कैसे बुद्धू बना रहे? सर सवाल ही उतना बुद्धू बनाने का किसी को? अगर हमने ये प्रॉमिस किया है कि हम कस्टमाइज्ड होम बनाएंगे तो हम बनाएंगे, हम बिल्कुल कस्टमर के हिसाब से बनाएंगे, जहां उन्हें बेडरूम चाहिए, जहां उन्हें बाथरूम चाहिए, जहां उन्हें पूजा घर चाहिए, हम बिल्कुल उसी तरह बनाएंगे। और सब बच्चों के लिए प्लेग्राउंड भी बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है जब वो पहले बार अपने घर में कदम रखेंगे तो उन्हें ये नहीं लगेगा कि वो किसी फ्लैट में आए, उन्हें लगेगा कि वो अपने सपनों के घर में आए। आप कुछ बोलना चाहते हैं मिस्टर बासु? अरे इस पे क्या कोई बोलेगा, वो झारखंड वाले पटनायक जी, वो बहुत खुश हो जाएंगे, ऐसे बोलेंगे। अरे भाभी जी, हम तो मान लिया आपकी बात टोटल, घर जाके खोलेंगे आज पूरी बोतल। वेरी गुड। तुम्हें पता है तुम्हें बहुत पोटेंशियल है और तुम्हें पोटेंशियल दिखाना चाहिए, और ये अपॉर्चुनिटी जिसे तुम ग्रैब कर लोगे। तुमने इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन दी है एंड यू विल बी सुपर्ब, आई एम टेलिंग यू। नहीं सर, ये सब कुछ मैं आपके सामने बोल सकती हूँ, लेकिन वहां जाकर नहीं बोल पाऊंगी, सब भूल जाऊंगी, मुझे कुछ याद नहीं रहेगा। अरे जब तुम मेरे सामने बोल सकती है तो इन लोगों के सामने ही बोल पाओगी, इनको इमेजिन कर लेना ऐसी। आना, मैं बताता हूं तुम्हें, मैं सारी की सारी डिटेल्स देता हूं अभी के अभी, ताकि तुम और कॉन्फिडेंट हो जाओ। एक मिनट, ये देखो, ये रहा अमोर का डिजाइन।
कॉफी। आना तुम एक काम करो, इसे साफ ही कर दो, हम फिर रिज्यूम करते हैं। ओके ओके सर। हेलो, हाँ शशांक। ओके यू डोंट वरी, मैं आ रहा हूं। ओके okay?